नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कावेंद्र चौहान और वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर हल्द्वानी से है, जहां गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस एक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को कांग्रेस चली गांव की ओर नाम दिया है। यह कार्यक्रम कल 1 अक्टूबर को शुरू होगा, जो कि 3 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत कांग्रेस के 14 वरिष्ठ नेता उत्तराखंड की 670 न्याय पंचायतों में रात्रि प्रवास कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से रूबरू होंगे। कांग्रेस चली गांव की ओर कार्यक्रम में ये सभी नेता 3 दिन गांव में ही प्रवास करेंगे। इन नेताओं में कुमाऊं मंडल में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, राज्यसभा सांसद प्रदीप टामटा, गोविंद सिंह कुंजवाल और गढ़वाल मंडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और किशोर उपाध्याय शामिल हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने एक किट भी लॉन्च की, जिसमें झंडे, बैच और शॉल शामिल है। न्याय पंचायत में जाने वाले कांग्रेस नेता उन ग्रामीणों के घर में झंडा लगाएंगे और उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित करेंगे, जहां वे रात्रि में प्रवास करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ नेता 670 गांव में न्याय पंचायतों में ये 2 दिन वो लोग प्रवास करेंगे और गांधी जी के जयंती के अवसर पर, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम दिया है, वहीं पे रहेंगे, लोगों के साथ मिलजुलेंगे और वहां पर जैसे कि मैंने कहा है कि उस एरिया के जो समस्याएँ हैं लोगों से जुड़ने का काम करेंगे और वहाँ पर किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं और किस तरीके का करप्शंस जो है या फिर भ्रष्टाचार हो रही है और फिर किस तरीके से गवर्नमेंट ने लोगों को गुमराह कर रखा है इन एरियाज़ में, वो देखने की कोशिश करेंगे। पर हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम किस तरीके से ग्रामीण स्तर पर लोगों के साथ मिल सके, उनसे मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके और सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी का जो विचारधारा है वो हम ग्रामीण स्तर तक किस तरीके। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में अखाड़े के पंचों की बैठक की गई। इस बैठक में तय किया गया कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के बाद उनके शिष्य बलवीर गिरी को बागंबरी मठ की गद्दी सौंपी जाएगी। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी महाराज ने हरिद्वार में यह घोषणा की है। 5 अक्टूबर को प्रयागराज में नरेंद्र गिरी महाराज की पोटसी में बलवीर गिरी की मेहनताई की जाएगी। जानकारी देते हुए निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज ने बताया है कि अखाड़े के संचालन के लिए अखाड़े के पंचों द्वारा एक सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड में निरंजनी अखाड़े के कई साधु संत शामिल हैं। इस बोर्ड का गठन निरंजनी अखाड़े की परंपरा और संस्कृति जो उनकी घोषणा है, मैं उनकी औपचारिक मेहनताई की घोषणा करता हूँ, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता में मुझे करनी है और हमारा पूरा सर दर्शन साधु समाज जो लोग समाधि में रहे, उनके भू समाधि के समय रहे, हम चाहेंगे कि वो सभी लोग वहां आए और सभी लोग उनके सोर्सी में उनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि सबके प्रति उनकी उदारता थी। वो मीडिया अधिकारी, राजनेता, साधु समाज, भारत के सभी जो जनमानस हैं उनके प्रति उनकी अपार श्रद्धा और स्नेह रही। तो इसलिए औपचारिक मैं उनकी घोषणा करता हूं और आज हमारे पूरे पंच, लगभग हमारे अखाड़े के सभी पंच यहाँ बैठे हैं। कुछ पंच हमारे प्रयाग में है, इस समय बागंबरी गद्दी में है, बागंबरी मठ में है। तो मैं उनके औपचारिक आचार्य होने के नाते मैं उनकी औपचारिक घोषणा करता हूँ कि बलबीरपुरी जी महाराज को 5 तारीख को उनकी मेहनताई होगी और हमारे जो पंच है, पंच परमेश्वर के देख रेख में वो मठ की परंपरा, गद्दी की परंपराओं को लेकर के आगे सुचारू रूप से कार्य करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है और हमें पूर्ण आशा है और पूर्ण आस्था है उनके ऊपर। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी परिवार जन कल्याण समिति के बैनर तले रिटायर पुलिसकर्मियों ने अपनी पेंशन संबंधी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन प्रेषित किया है। इस मौके पर समिति के सचिव रामेश्वर सिंह रावत ने बताया कि हमारी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला पत्र 27 अक्टूबर 2019 को लिखा था, जिसमें लिखा था कि राष्ट्र के 2 स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ सुरक्षा का मिलिट्री स्तंभ और दूसरा स्तंभ आंतरिक सेना बल व राज्य की पुलिस बल। उन्होंने बताया आज सौंपे गए ज्ञापन में ओपीएस पेंशन की मांग की गई है और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो हमारी समिति एक कदम आगे बढ़ाकर आंदोलन करने का फैसला लेगी। इस ज्ञापन देने का उद्देश्य है क्योंकि हमने और हमारी समिति के द्वारा देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हमने पहला पत्र 27/10/2019 को लिखा था कि राष्ट्र के 2 स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ सुरक्षा का मिलिट्री स्तंभ और दूसरा आंतरिक सैन्य बल
एवं राज्य की पुलिस बल। शॉर्ट बोलो। इसमें हमने ओपीएस पेंशन की मांग की है कि हमारे अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस बल को भी बाहरी सैन्य बल की तरह मिलिट्री की तरह पेंशन ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए, जिसे 1/4/2004 से बंद किया गया है। और हम इस आंदोलन को अभी ज्ञापन के रूप में दे रहे हैं। यदि सकारात्मक सोच हमारे अर्धसैनिक भाइयों और राज्य पुलिस बलों के साथ नहीं किया गया तो हम इस आंदोलन में एक कदम आगे बढ़कर कार्य करने की सहमति हमारी सहमति कर रही है। तो हमारा अनुरोध है कि इस ज्ञापन के माध्यम से आज का हमारा जो ज्ञापन प्रोग्राम है, भारत राष्ट्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को ज्ञापन डीएम हरिद्वार महोदय के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि हमारे अर्धसैनिक बल और भारत राज्य के राष्ट्र पुलिस बलों को 1/4/2004 से जो ओपीएस पेंशन का लाभ बंद किया गया है उसे जारी करने की कृपा करें। यही हमारी मांग है और यही हमारा उद्देश्य है। उधम सिंह नगर के कोतवाली किक्षा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार से 8.1 ग्राम स्मैक बरामद की है। बता दें, बाइक सवार की पहचान टीचर्स कॉलोनी निवासी वेद प्रकाश के रूप में हुई है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बहेड़ी क्षेत्र में स्मैक लाकर किच्छा व आसपास के इलाकों में नशे के आदि युवाओं को महंगे दामों पर बेचता था। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पूरा मामला उधम सिंह नगर का है, जहां पर तस्कर के पास 8 ग्राम से ज्यादा का स्मैक बरामद किया गया है। आरोपी ने बताया है कि वो स्मैक खरीद कर लाता था और नशे के आदि युवाओं के बीच इस स्मैक को महंगे दामों पर बेचा करता था। पुलिस द्वारा गश्त के दौरान एक स्मैक तस्कर वेद प्रकाश सनौब महेंद्र पाल, जो टीचर्स कॉलोनी का रहने वाला है, उसको करीब 8 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसको किच्छा बैराज के पास पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। इसकी काफ़ी शिकायतें प्राप्त पुलिस को काफ़ी सारी शिकायतें प्राप्त हुई थी पूर्व में, और इसका एक भाई और है, उसकी भी काफ़ी शिकायतें प्राप्त होती है, जिसका नाम ननुआ है। उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं पुलिस, और इस संबंध में वेद प्रकाश के खिलाफ़ NDPS एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत किया जा चुका है और आज अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, ये कहाँ से स्मैक लाता था, कहाँ कहाँ सप्लाई करता था? ये बेसिकली इनका कहना है कि ये भेड़ी से स्मैक लेके आते थे और यहीं हमारा जो आपका ये विकास कॉलोनी मंडी वाला क्षेत्र है, पुरानी मंडी वाला क्षेत्र है, उसमें ये बच्चों को स्मैक बेचते थे। रुड़की पुलिस ने टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 6 छात्र टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। बता दें, बीती 28 सितंबर को अंबर तालाब रुड़की निवासी सतीश कुमार ने गंग नहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 26 सितंबर को वह और उसकी पत्नी ऑटो से बाजार जा रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने पत्नी के बैग से टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद पुलिस टीम ने CCTV कैमरों और मुखबिर की मदद से रुड़की रेलवे स्टेशन के पास से 6 बदमाशों को धर दबोचा है। मामले का खुलासा करते हुए SP देहात प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि 6 टप्पेबाजों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी जानसठ जिला मुजफ्फरनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले में पूछताछ के बाद टप्पेबाजों को जेल भेज दिया गया है। तो पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, रुड़की का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने 6 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। लगातार शिकायतें मिल रही थी टप्पेबाजी के, कई सारे मामले जो थे वो पुलिस के सामने आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और अब 6 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूरा खुलासा किया है। तो ये 6 टप्पेबाज पीछे आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, काले कलर का, जिन्होंने रुमाल बांध रखा है चेहरे पर, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से सोने चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। नहर क्षेत्र में यहाँ पर एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी, जिसको खैर आप लोगों के द्वारा भी संज्ञान में लिया गया था और हम पुलिस ने भी इसको पूरी तत्परता से संज्ञान में लिया था। CO रुड़की और इंस्पेक्टर गंगनहर के नेतृत्व में, क्योंकि घटना बड़ी थी, काफी सामान इसमें गया था, तुरंत इसमें हरकत पर लाया गया और जो लोग इस काम को कर रहे थे या जो लोग इस काम को प्रकाश में पूर्ण आए थे उन लोगों को लगातार सर्च किया जा रहा था। आज इसमें एक बड़ी सफलता मिली है, कुल 6 लोग हमने इसमें अरेस्ट किए हैं जिनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है और जो लगातार इन तरीके की घटनाएं करते रहे हैं। इसमें एक घटना हमारी गंगनहर की और एक हमारी जो कोतवाली हरिद्वार की है, दो घटनाओं का खुलासा हुआ है। बाकी और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और भी लोग और कौन कौन सी घटनाओं में ये लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग पता लगा रहे हैं।
इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई अलग से अमल द्वारा की जाए। वही देवस्थानम बोर्ड द्वारा जारी ई पास की बाध्यता के चलते चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को हो रही दिक्कतों को लेकर अब एक बार फिर देवस्थानम बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। इसी के चलते बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित गुणनंद कोठियाल ने तीर्थयात्रियों को हो रही दिक्कतों का समाधान करने और जल्द ही देवस्थानम बोर्ड भंग करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। उन्होंने देश के पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि बहुत हो गई मन की बात, अब चारधाम के लोगों और तीर्थयात्रियों की आत्मा की आवाज भी सुन लीजिए, कहीं बाद में देर ना हो जाए। तो तीर्थयात्रियों की आत्मा की आवाज भी सुन लीजिए, ऐसा कहा गया है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा तो शुरू हो गई है, लेकिन उसको लेकर जारी जो घमासान है वो अभी भी थमा नहीं है। ई पास को लेकर लगातार व्यापारी वर्ग जो है वो भी परेशान है, तीर्थ पुरोहित जो हैं वो भी इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी के चलते आपको बता दें कि ताज़ा मामला ये है कि बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित गुणानंद कोठियाल ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। इसको आपको सीधे चेतावनी की तरह बताएंगे, बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी बहुत हो गई है मन की बात, अब जरा आत्मा की बात भी सुन लीजिए। तो गुणानंद कोठियाल पुरोहित हैं, इन्होंने तीर्थयात्रियों को हो रही दिक्कतों का समाधान करने और जल्दी देवस्थानम बोर्ड भंग करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। सीधे पीएम मोदी से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई और सीधे कहा है कि बहुत हो गई है मन की बात, अब आत्मा की आवाज को भी सुन लीजिएगा, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। अगर सरकार ने देवस्थान बोर्ड को नहीं हटाएगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे। हमारे बाप का नाम है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से हमने पाला है, हम 700 पीढ़ी यहाँ बीत गई और हम उसी के पीछे खाते पीते रहे। और प्रश्न ये है कि इनको अभी ज्ञान ही नहीं है कि देवता किसको बोलते हैं और भगवान किसको बोलते हैं। देवता तो देवस्थान क्या हुआ बद्रीनाथ के सामने, देवता तो बहुत छोटे होते हैं और भगवान बद्रीनाथ बहुत बड़ा होता है। मैंने इनको बद्रीनाथ का नाम डिमोरलाइज कर दिया, बद्री विशाल जी को छोटा, आपका कहने का मतलब है कि बद्री विशाल जी को छोटा करके इन्होंने देवों के बीच ला दिया है। जबकि देवता उसकी प्रार्थना करते, जब देवताओं पे कष्ट होता है तो भगवान के पास जाते हैं, प्रभु हमको राक्षस सता रहे हैं, हमका दुख है, इन्होंने देवस्थान बोर्ड को रख दिया। अब बोर्ड क्या होता है, क्रिश्चियन शब्द है। वही आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत परम हिमालयन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डोईवाला द्वारा राजीव नगर केशवपुरी बस्ती में निशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करीब 160 लोगों को इस निशुल्क चिकित्सालय शिविर का लाभ मिला। इस दौरान हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि हॉस्पिटल द्वारा जनसेवा में किए जा रहे इस प्रकार के कार्यों से क्षेत्र की गरीब जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। तो देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर 160 लोगों को निशुल्क चेकअप किया गया है। मेडिकल कॉलेज द्वारा यह स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था, देहरादून के डोईवाला का यह पूरा मामला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 160 लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा यहां पर दी गई है। इस अवसर पर मौके पर मौजूद पूर्व प्रधान नरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि हॉस्पिटल द्वारा जनसेवा में किए गए ये जो प्रयास कार्य हैं, जो सेवा कार्य हैं, इस क्षेत्र की गरीब जनता को स्वास्थ्य का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत परम हिमालयन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा इस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण कैंप लगाए जा रहे हैं, इससे निश्चित रूप से जो गांव की जो गरीब जनता है उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो मैं ये मेडिकल कॉलेज वालों को भी बधाई देना चाहूँगा और उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा एक सराहनीय कार्य जो क्षेत्र में किया जा रहा है उसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूँ। और जो इस प्रकार से कैंप से आने वाले समय में भी जो आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि चिलेजा क्षेत्र में गरीब जनता को इसका लाभ मिलेगा। हम आज़ादी का महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं परम हिमालय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से। हम बेसिकली क्या होता है, आज़ादी के महोत्सव हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है और हम फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिकली क्या है, हम जैसे गाँव में फ्री मलिन बस्तियों गरीबों का निःशुल्क इलाज करते हैं, स्कूल कॉलेजों में बच्चों को मानसिक टेस्ट, शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक एजुकेशन के लिए, माल न्यूट्रिशन के, उनको कमी जैसे बच्चों में क्या होता है कि हाइजीन मेंटेन नहीं करते, उनको सारी जानकारियाँ दी जाती है और जो बच्चे होते हैं उनको उसके आधार पर हम मेडिसिन फ्री में प्रोवाइड करते हैं।
तो अगली खबर चमोली से है, जहां जिला के सहकारी बैंक के 54वें वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष रघुवीर विष्ट, भेषव संघ अध्यक्ष सत्येंद्र सवाल, बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट व महिला आयोग की उपाध्यक्ष पुष्पा पासवान आदि मौजूद रहे। गुरुवार को आयोजित इस वार्षिक अधिवेशन में बैंक के अध्यक्ष गजेंद्र रावत ने बताया कि साल बैंक ने व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाया है। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा मुख्य शाखा सहित 5 अन्य शाखाओं में एटीएम स्थापित किए गए हैं। इन 5 शाखाओं में जोशीमठ, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी शाखाएं शामिल हैं। सबसे सीमांत जिला जनपद चमोली, जो कि हम तिब्बत बॉर्डर से जुड़े हुए, और मुझे बताते खुशी है कि यहाँ के ऋणदाताओं ने यथासमय ऋण लेकर ऋण चुकाया होगा, तब ये बैंक हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो बैंक है चमोली जिला सबसे बड़ी बैंक, ये लगातार पिछले वर्ष की सृष्टि और उसको प्रथम पुरस्कार मिला है लाभ की दृष्टि से। और मुझे खुशी है कि यहाँ का जो पूरा जो संचालक मंडल है, यहाँ के जो सचिव महाप्रबंधक हैं, वो सब लोग रात दिन मेहनत करके और कोऑपरेटिव के दृष्टिकोण से इस बैंक को एक गुणोत्तर रूप से आगे बढ़ाने में ये सहायक सिद्ध हो रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को ऋण वितरण हो रहा है। पहली बार पारदर्शी ऋण वितरण की व्यवस्था हमारे जनपद में हुई है। सहकारी बैंक की 54वीं वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन आज किया गया। कोविड काल के कारण विगत वर्ष हम इस आम सभा की बैठक को नहीं कर पाए, जिस कारण 30 सितंबर को हमने आज इस आम सभा की बैठक को किया है। इसमें दो वर्ष में चमोली जिला सहकारी बैंक के जो क्रियाकलाप थे और लाभ हानि थे, इसको सबका वाचन किया गया, सभी प्रस्तावों को यहाँ पर रखा गया और सभी का अनुमोदन किया गया। बेसिकली हमको इसमें वर्चुअल माध्यम से करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। हमने 50 की संख्या को देखते हुए बाकी पूरी आम सभा को वर्चुअल माध्यम से किया। वहीं हरिद्वार के हाई स्कूल हजारा ग्रांट की प्रधानाध्यापिका पर लापरवाही बरतने का आरोप है, जिसके चलते शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापिका मंजूरानी को निलंबित कर दिया गया था और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आदेशानुसार मामले की जांच की जा रही थी। मंजूरानी पर लगे आरोपों के संबंध में चल रही जाँच की रिपोर्ट आने के बाद अब SMC के पूर्व अध्यक्ष अबरार अली ने शिक्षा विभाग की जांच कार्यवाही पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापिका को आरोपों से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है। वहीं मामले में अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख अपना लिया है। तो तस्वीर हरिद्वार से है, जहां पर प्रधानाध्यापिका पर लापरवाही का आरोप लगा था, जिसके बाद जाँच की गई, लेकिन अब संदेह के कटघरे में शिक्षा विभाग को खड़ा कर दिया है। आपको बता दें पूरा मामला जो है हरिद्वार का है, जहां पर आरोप लगे थे प्रधानाध्यापिका पर लापरवाही बरतने के, लेकिन अब SMC के पूर्व अध्यक्ष अबरार अली ने शिक्षा विभाग में जो पूरी जांच की थी, उस जांच की कार्यवाही पर भी संदेह खड़ा कर दिया है। रुद्रपुर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज बेहड़ ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी के विचारों का विरोध करने वाले गोडसे समर्थक देश में राज कर रहे हैं, इनसे लड़ने के लिए एकमात्र रास्ता गांधीवाद ही है, इसलिए हमें संगठित होने की जरूरत है। हमें एकजुट होकर गांव में जाकर वहां प्रवास करना होगा और ग्रामीणों के साथ मिलकर कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह वक्तव्य है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इस पर सिर्फ कांग्रेस ही मंथन कर सकती है। इसलिए गांधी जयंती पर उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश भर के गांव में जाकर रात्रि प्रवास करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस नेता प्रदेश भर की 670 न्याय पंचायतों में जाकर एक रात एक गांव में बिताया करेंगे। पर हमारी पार्टी ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि हम रात्रि प्रवास करेंगे। 1 तारीख को रात को, 2 तारीख की रात को रुकेंगे और 3 को हम दोपहर बाद वापस आएंगे। हमारे स्थानीय 670 न्याय पंचायतें हैं, 670 ही हमारे पार्टी के नेता रात्रि प्रवास करेंगे। हर न्याय पंचायत स्तर पर प्रवास होगा और वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा, श्रमदान होगा, शिक्षकों का सम्मान होगा, चौपाल लगाएंगे, चौपाल के साथ साथ जनप्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों से ग्राम सभा स्तर के बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे और एक कांग्रेस की विचारधारा को लेकर गाँव में बातचीत लोगों से होगी और ये एक कांग्रेस का ऐतिहासिक कदम है। महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर
गांव में जाना एक पार्टी का निर्णय है और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, सारे लोग उसमें लगेंगे। वहीं जैसे ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही सभी पार्टियों में टिकट को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में झबरेड़ा विधानसभा सीट पर भी टिकट के दावेदारों ने गांव गांव पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क साधना शुरू कर दिया है। झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार अमीलाल वाल्मीकि का स्वागत समारोह वहां पर किया गया, जिसमें झबरेड़ा गांव के कश्यप समाज और कोरी समाज ने भारतीय जनता पार्टी से अमीलाल वाल्मीकि के टिकट की मांग की है। उन्होंने मौजूदा विधायक देशराज करनवाल को सिरे से नकार दिया है। वहीं अमीलाल वाल्मीकि ने टिकट को लेकर कहा कि यह मामला पार्टी हाईकमान का है, हाईकमान जो भी दिशा निर्देश देगा उसी के अनुसार काम किया जाएगा। लोग थे, उनकी एक इच्छा थी कि हम बुला करके जो है अपने जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं उनको बुला करके आपस में एक परिचय हो जाए, आपस में एक दूसरे के साथ ये सकल से भी रूबरू हो जाएंगे, तो ये इसको लेकर के एक आपस में बैठ करके बातचीत करने का एक कार्यक्रम था। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी में जो है कोई नहीं बता पाएगा, ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार का कार्य है। जो संगठन करेगा वो सबको जो मान्य होगा और यहाँ सर्व संगठन ही सर्वोपरि है। आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने के वो करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास कार्य होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो मोदी जी की पारदर्शी नीति है, जो मोदी जी के कार्यकाल में जो उन्होंने जो दूसरी पार्टियों ने कहा कि ये चीज़ें सब नामुमकिन है। जिस टाइम पे हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे उस टाइम पे मिस्टर करणवाल जी उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे कि मैं कंपनी में गरीब आदमी का काम लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और जिस टाइम पे विधायक बन के उन्होंने आज तक सकल तक नहीं दिखाई। और हमारे गांव के जो रोड हैं और जो मतलब गांव की जो समस्या है उन पर किसी पर भी कोई भी अमल नहीं किया। आप कैसे कैंडिडेट चाहेंगे, जैसे कि आप करणवाल का विरोध कर रहे हैं तो आपका हम कैंडिडेट अमीलाल जैसा चाहेंगे जो मतलब हमारी समस्या कोई भी हो, अमीलाल की ना हो, कोई भी हो, जो सहायता करे उसमें कोई भी हो, गरीब आदमी की बात सुन सके, हमें करणवाल भी हो चाहे अमीलाल हो चाहे कोई भी हो, सबके सब जो जितने भी मतलब हैंडपम्प लगे हैं सब बड़े बड़े घरों के लोगों के घरों में लगे। हमने कहा कि हमें एक हैंडपम्प चाहिए, लेकिन किसी का कोई हैंडपम्प नहीं लगा और वो जाके लगे लोगों के घरों में। सितारगंज में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर ने बानू बेगम को महिला मोर्चा का सितारगंज नगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। बानू का चयन प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य की संस्तुति पर किया गया। जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर ने बताया कि सितारगंज नगर क्षेत्र में कांग्रेस की महिला विंग को मजबूत बनाने को लेकर कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता बानू बेगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा, बानू बेगम के नेतृत्व में सितारगंज में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, साथ ही कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने में नवनियुक्त नगर अध्यक्ष पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगी। ये सम्मान जो है इस जिम्मेदारी के साथ जलाया सोनकर जी से कि जो ये बहुत मेहनती महिला हैं, पार्टी के लिए अच्छा काम करती हैं और मुझे इनसे ये उम्मीद है कि ये आने वाले समय में जो है पार्टी के लिए महिला टीम को पूरी अच्छे तरीके से जोड़ के और कांग्रेस के लिए महिलाओं में काम करेंगे। इसी जिम्मेदारी से निभाएंगे, जैसे कि हम अपना जितना भी काम करेंगे बिल्कुल मेहनत से करेंगे और अच्छी तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अटक भी है तो हम अपनी पार्टी को जिताएंगे। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।